हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जहां भी होंगे। और आज है एक और नए दिन की शुरुआत। जैसे कि कल आपने देखा, मैंने रात को डीप क्लीन किया था किचन एंड इट स्टिल लुक सो क्लीन। तो क्या होता है ना, जब हम रात को क्लीनिंग करके सोते हैं तो रात को कभी कभार अगर टायर्ड हूँ मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाती, यूजुअली मैं ट्राई करती हूँ रात को फिनिश करने के लिए। तो किचन तो मैंने डीप क्लीन कर दिया था नाइसली, और उसके बाद जो है कबर्ड्स का जो है ना, मैं एक एक दिन में एक एक को करती रहती हूँ रोटेट करके, सारा एक ही दिन में नहीं करती हूँ। और अब जो है लिविंग एरिया हमारा है ये लिविंग एरिया। ही मेजबू आ जा। तो ये मेरा लिविंग एरिया है जो कि सुबह से उठ के हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है ऑलरेडी। अभी जो बजे हुए हैं 10:30, मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। और उसके बाद में जो है रात को मैं इसको क्लीन करके सोई थी, लेकिन आरवी ने थोड़ा सा पेंटिंग वगैरह किया है यहाँ पे। जो है आरवी ने थोड़ा कलरिंग किया है बैठ के, तो ये गंदा हो गया है और टेबल पे उसकी बुक्स वगैरह पड़ी हुई है। ब्रेकफास्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, मैं ब्रेकफास्ट में शूट नहीं किया, कैमरा नहीं उठाया। अभी दोनों एक दूसरे को कॉपी करते हैं। अब आरव टेबल पे जाके बैठा है तो इसको भी वहां पे जाना है। जब घर में एक बड़ा बच्चा होता है ना, छोटा वाला उसी को कॉपी करता है सब कुछ। हाँ, जो आरव जो है ना वो एक्साइटेड है वीडियो बनाने के लिए मेरी। वो कहता है मैं शूट करूंगा मम्मी। वो पहले भी मेरी वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे कभी कभी चल जाती है तो बोलता है मम्मा आप अभी वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। मैं कह रही थी कि जब घर में एक बड़ा बच्चा होता है ना तो छोटा वाला उसी को कॉपी करता है। और अभी जो है मेरे होंगे काइंड ऑफ आफ्टरनून के रूटीन स्टार्ट। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया था, बच्चों को भी करा दिया है, इवन दो मीट स्नैक्स भी हो चुका है। तो मिडल स्नैक भी मैंने बना दिया है, और जो था कि बनाना मिल्क शेक, और आरव को पिंक मिल्क अच्छा लगता है जो रू अफ्जा डाल के मैं उसको देती हूँ, है ना। और व्हाट एल्स, लुक एट हियर, शाई हो रहा है। यू कैन जस्ट वॉच इट, यू कैन से इफ यू वांट टू से समथिंग गाइस, और लाफ लाफ, ओके, ईट ओके। तो आज जो है आरव को हम करेंगे स्टडी, है ना। आरव स्टडी करेगा ना, और बेबी को टेक केयर। लव यू, आई लव यू, ओ आई लव यू। बेबी बन जाता है ये कभी कभी, एकदम क्लियर बोलता है। तो बच्चे अभी लगे हैं नहाने के लिए, मैंने इनको नहाने का डाल दिया ऐसे, ये बाथ टब में नहाना पसंद करते हैं। और इन्होंने यहाँ पे जो है पूरा मैसडअप कर दिया है, लॉन्ड्री बैकेट, ये सब मुझे क्लीन अप करना है अभी। और जैसा कि मैं दिखा रही थी, ये डाइनिंग टेबल और ये सब यहाँ का जो है, यहाँ की क्लीनिंग जो है ऑलमोस्ट एवरी डे होती है, क्योंकि ये लिविंग एरिया है ना, बच्चे गंदा करते ही रहते हैं, यहाँ पे खेलते रहते हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर फेंकते रहते हैं। और मैंने जो है सुबह उठ के शावर ऑलरेडी कर लिया था ताकि दिन में मुझे आराम से लाइक फ्रेश लगे। और एक बार सुबह हम बात कर लेते हैं ना तो उसके बाद दिन भर आराम रहता है, और बच्चे भी सो रहे थे तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। और अब वे दोनों नहा लेंगे तो उनके बाद जो है मैं उनको कुछ लंच के लिए बना देती हूँ। तब तक चले करते हैं लंच बनाना शुरू, जब तक वो थोड़ी देर रिलैक्स कर रहे हैं बाथ टब में। तो गाइस, लंच जो है हमारा हो गया है। लंच में मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाया, सिर्फ राइस बॉईल किया था, और काफ़ी सारा खाना फ्रिज में रखा था वही मैंने खा लिया। और आर्य जो है ना, पूरे बच्चों ने लिपस्टिक भी फैला दिया। आर्य जो है वो सो गया था अराउंड 12 o'clock, और अभी जो है 1 बजा हुआ है, एज यू कैन सी ऑलमोस्ट 1:15 होने वाला है। और मैंने जो है ये डाइनिंग टेबल तो क्लीन कर दिया है एकदम। इस पे ना आरव ने पेंट जो है गिरा दिया था, और वो कैनवस का पेंट था तो वो स्टिक हो गया था उसी पे, तो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ा निकालने के लिए। और अभी ना वॉल पे ये रह गया, देखो अगर आपको दिख रहा हो ना, तो वॉल पे ऐसे ऐसे करके ना उसने, उसके पास ब्रश थी और उसने मस्ती मस्ती में जो है ना ब्रश ऐसे स्प्रिंग कर दी, तो ऐसा हो गया था। तो अभी आर्य तो सो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं भी टायर्ड हो गई हूँ तो थोड़ा सा नैप ले लूँ मैं, और आरव का भी को भी एक नैप दिला देती हूँ, फिर उसके बाद इवनिंग के रूटीन स्टार्ट हो जाएंगे। आ रही है एक बार उठ गया तो रो रहा है बॉय। डोंट क्राई, आ जा आ जा आ जा, आई विल मेक यू हैप्पी। सो गाइस, हम सो के उठ गए थे, है ना, वी टुक अ नैप। ओ
एंड आरव के साथ मैंने मजाक किया कि उसको लॉक कर दूंगी, वो बहुत सैड हो गया मम्मा से, है ना? आर यू सैड? एंड वी आर एक्साइटेड टू गो ट्रैम्पोलिन पार्क, राइट? हम लोग अभी जो है शाम को इनको खेलना है, आरव को बहुत खेलने का मन है, तो मैं इसको ट्रैम्पोलिन पार्क लेके जाऊं। हां जी, हां जी, हां जी, चलो 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 चलो। आज फिर गार्डन से ना इतना सारा हार्वेस्ट करके लेके आए हैं, इतनी सारी ये येलो जुकिनीज, एक बड़ी वाली ये, और हमने थोड़ी भिंडी भी लगाई थी, तो थोड़ी सी भिंडी निकली है वहाँ से। तो अभी हो गई है शाम और आज मुझे ना करेले बनाने हैं, जो कि भरवा करेले बनाने हैं। और करेले सिर्फ तीन ही हैं, ये मैं ही खाती हूँ, मनोज नहीं खाते हैं करेले बिल्कुल भी, तो मेरे लिए तीन काफ़ी हैं। और मैंने जो इनको छील के नमक लगा के रखा हुआ था ऑलरेडी, ताकि इनका थोड़ा बिटरनेस जो है निकल जाती है। और मैं इसकी स्किन भी यूज़ करती हूँ, प्लस सीड भी यूज़ करती हूँ, लेकिन सीड इसमें से ना पके हुए निकले थे तो मैंने वो हटा दिए। और यहाँ पे मैंने कर ली है सारी चॉपिंग, लाइक ऑनियन, गार्लिक, जिंजर एंड ये रेड चिल्ली है, ये फ्रेश रेड चिल्ली है, ये हमारे अपने गार्डन की है, तो मैं इनको भी जो है चॉपर में चॉप कर लूँगी और उसके बाद जो है इनको सोते करूँगी। इसमें ना एकदम अच्छे से चॉप हो जाता है, बहुत ही अच्छा सा चॉप हो गया है, मुझे ऑनियन हाथ से चॉप करने की ज़रूरत नहीं है, एज यू कैन सी। और मेरे पास जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक है और छोटा सा है ना रोबोकॉप, तो मुझे ज़्यादा हाथ से करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इनको सोते कर लेती हूँ इनकी स्किन के साथ में। तो ये बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया एक फ्राई पैन, उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, ये मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है, और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा जीरा, और फिर मैंने ना थोड़ा सा सौंफ और धनिया को कूट लिया है, वो डाल दिया है मैंने। और इसके बाद मैं डाल रही इसमें हींग, और ये देखो एकदम से भून गया है ना। अभी मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी और सारे मसाले जो है ना मैं अभी प्याज में ही ऐड करने वाली हूँ। तो मैं इसमें सॉल्ट डाल दूंगी, सॉल्ट में एकदम कम डाल रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी सॉल्ट में सोक करके रखा था करेले को। थोड़ा सा धनिया पाउडर और हल्दी, और इसी के साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऑल्सो। उसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ आमचूर पाउडर, जो है मैं इसमें आमचूर पाउडर डाल दूँगी। बस इसको मैं मिला दूँगी और इसको हल्का ही सोते करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं भूनना है। देखो 2 से 3 मिनट में एकदम सॉफ्ट होके भून गया है प्याज। वैसे बहुत सारे लोग जो है इसको बिना भूने भी कच्चा ऐसे भी डाल सकते हैं, पर मैंने सोचा थोड़ा पानी सुखा लेती हूँ इसका। और इसके बाद जो है मैंने जो करेले के स्किन थी उसको मैंने वो अच्छे से वॉश कर लिया था, क्योंकि इसमें बहुत सारा सॉल्ट था एंड लेमन जूस था। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी इसमें। स्किन हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि नमक में डालने के बाद ना करेले की बिटरनेस चली जाती है और ये स्किन भी इसलिए बहुत ही टेस्टी लगती है। ऐसे है ना, मेरी मम्मी और मेरी दादी जो हैं वो बनाती थी और मैंने उन्हीं से सीखा था बचपन में। मम्मी बहुत यम्मी करेले बनाती थी और मैं भी अब बना रही हूँ काफ़ी सालों के बाद, जबकि मैं भरवा करेले बनाने एकदम छोड़ ही दिया था। मैं शायद फटाफट से उसको चॉप करके ही बना देती थी। चलिए अब ये ऑलमोस्ट हो चुका है और इसको ना हम लोग ठंडा होने के लिए रख देंगे, उसके बाद ही करेले में जो है स्टफिंग करेंगे। तो
अभी जो है ना मैंने करेले की स्टफिंग जो है ठंडी होने के लिए रख दी है, और मैं अपने बेबी के साथ में थोड़ा सा कर्डल टाइम कर रही हूँ। ये देख रहा था टीवी यहाँ पे बैठ के, और जब से जो है ना चुपचाप देख रहा था, मुझे काम करने दिया है इसने। और मेरा बाबू हाय टीवी देखेगा, हाँ टीवी देखेगा, हाँ। और अभी है ना ये मेरे पास एकदम से आया, और इसका ना इसकी ये छोटी सी बुक है, ये आरव की बुक्स हैं, तो ये ना आरव को जब मैं पढ़ाती हूँ तो इसको ही पढ़ाती हूँ, ये इतना उससे वो करता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे मुझे बार बार उसको रीड करने के लिए बोलता है। आ रही है दीदी? ओ ओ मम्मा पढ़ दे, ले द रेन कैन ब्रिंग ब्राइट रेनबो, yeah, ओके दे वेट सम सन द फ्लावर्स ग्रो, व्हेन इट्स विंडी लीफ कैन ब्लो। हाँ डन हो गया, ले डन हो गया, डन हो गया। अगेन देखो फिर उठा के मुझे देगा ये। अगेन मम्मा रीड कर दे, हाँ अभी कैमरा चाहिए। करेले जो है ना ये मिक्सर जो एकदम रेडी हो गया है, और मैं इसको स्टफ कर लेती हूँ इसमें फटाफट से। जितना अच्छे से स्टफिंग होगा उतना ही यम्मी है, और ये बच भी जाएगा ना मिक्सर, तो उसको हम डायरेक्ट भी खा सकते हैं, इसलिए मैंने इसको भून लिया था एक बार पैन में इस तरह से। मैंने जो ना करेले को थ्रेड से ऐसे टाई कर दिया है ताकि इसकी स्टफिंग जो है बाहर ना आए, और एक पैन में ऐसे थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, और अब इसको ना हम शैलो फ्राई करेंगे एकदम सेम फायर पे। मैं इनको डाल देती हूँ इसको ना एकदम सेम फायर पे ही करना है, वरना ये जल जाएंगे, तो मैं एकदम फायर स्लो कर देती हूँ, और मैं इसको ना कवर कर देती हूँ बस। अभी धीरे धीरे ना बीच में इसको चलाते रहेंगे, और फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। और यहाँ पे ना मुझे अभी बेबी की बोटलें वाश करनी है, तो मैंने ऐसे एकदम गर्म पानी में सोप में इनको सोप कर दिया था आधा पौना घंटा, ताकि और उसके बाद जो है वाश करने के बाद में मैं इनको स्टेलाइजर करती हूँ। मेरे पास है ना स्टेलाइजर है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरे पास इवेंट का है ना ये वाला स्टेलाइजर है, जो कि आरव के टाइम पर भी बहुत काम आया, तो मैं डॉक्टर ब्राउन की फिलिप की बोटलें यूज़ करती हूँ, और यही अब मैं बोटलें वॉश कर दूंगी, तब तक मेरे करेले भी बन जाएंगे। तो ये देखिए कितने खूबसूरत ये करेले जो है ना बन गए हैं, और अच्छे से भुन गए। बीच में मैंने दो तीन बार पलट दिया था, तो ब्राउनिश कलर इन पे आ गया है एकदम, यानी कि ये कुक हो गए हैं अभी। और जो है मैं गैस को ऑफ कर दूंगी, ये देखो मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है इनको देख के, गैस मैंने टर्न ऑफ कर दी। और ये है मेरे गार्डन की फ्रेश पिकली ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, सारी मैंने वॉश कर दी हैं, मैं इनको फ्रिज में रख दूंगी। और अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो करेले की रेसिपी या कुछ भी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर।